रिकॉर्ड करें अपना वीडियो नोजोटो पर और दिखाएं अपना हुनर। वो कॉलेज का दूसरा और मेरा पहला दिन था, जब दिल में घबराहट ज्यादा और दिमाग थोड़ा कम था। कॉलेज कैंपस में गिरती भागती और थोड़ी सी हड़बड़ाती मैं जैसे तैसे अपनी क्लास आ पहुंची। लेट बहुत हो चुकी थी, इसलिए बिना किसी से नजरें मिलाए सीधे लास्ट बेंच पर जा पहुंची। शुरू से ही मेरी मैथ से कुछ खास नहीं पटी और जैसे ही मैं सवाल सुन पाती वैसे ही किसी के एक बंदे की आंसर की आवाज आ जाती। क्लास खत्म हुई, मैं वैसे ही उस महान आर्यभट्ट को देखने को उठी और उतने में ही मेरी नजर कॉलेज कॉरिडोर में खड़े एक लड़के पर जा रुकी। वो किसी से बात कर रहा था शायद, पता नहीं क्या था उसमें, पर पहली बार कोई इस दिल को बहुत अच्छा सा लग रहा था। मैं वहां किसी को खास जानती नहीं थी, इसलिए उसका पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल था, पर किस्मत का शायद कुछ और ही प्लान था, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मेरे ही बेंच पे बैठा वो मेरे संग था। बस क्या कहूँ, उस दिन से वक्त गुजरने लगा और हमारा अजनबियों वाला रिश्ता दोस्ती में बदलने लगा। अब मेरा दिल उसे दोस्त से बढ़कर मानता था, सुबह शाम बस यही गाना गुनगुनाता था। प्लीज गाइस, आवाज तो इतनी अच्छी नहीं है बट फीलिंग्स बहुत सच्ची हैं, इसलिए डू बेयर इट। पहली मर्तबा जब से देखा तुझे, वो पहली मर्तबा जब से देखा तुझे, मेरे दिल ने ये कहा मोहब्बत है मुझे, वो पहली मर्तबा जब से देखा तुझे, तेरे चेहरे की हंसी मेरी पहचान है, तेरे चेहरे की हंसी मेरी पहचान है, तू मेरी बस मेरी सिर्फ मेरी जान है, तू मेरी बस मेरी सिर्फ मेरी जान है। मैं वहीं ठहरी रही और साथ हंसते मुस्कुराते लड़ते और पढ़ते वक्त हाथों में रखी रेत की तरह फिसलता गया और बीतते बीतते एक साल मेरे हाथों से निकलता गया। मेरे जो अजीज थे वो अभी तक समझे ही नहीं थे मेरे दिल का हाल, और जो समझते थे वो कहते थे एटलीस्ट एक ट्राई तो कर मेरे यार। सुनती सबको थी पर समझ ही नहीं पाती थी कि अगर इनकार हुआ उसका जवाब तो कैसे सहूंगी, कैसे उसके साथ होकर भी दूर उससे रहूंगी। फिर फाइनली मैंने अपनी मुश्किलों को हल करने का एक जरिया बनाया और अपने दिल का हाल अपने एक अजीज और क्लासी के एक दोस्त को बताया। वो होता है ना एक बंदा जिससे हर कोई अपनी प्रॉब्लम्स बिना सोचे समझे शेयर कर ही देता है। मैंने अपना हाले दिल उसको सुनाया और मामला कितना सीरियस है ये भी उसको समझाया। उस कमबख्त की बातों ने मुझमें कुछ ऐसा मोटिवेशन भर दिया कि बिना कुछ सोचे आगे का मैंने उसे उस रात ही प्रपोज कर दिया। I called him and said, hey, क्या कर रहे हो? He said, कुछ नहीं, बस हवा खाने बैल्कनी में खड़ा हूँ, तू बता। अच्छा, मैंने कहा, एक बात कहनी थी तुमसे बहुत वक्त से, पर प्लीज मुझे गलत मत समझना। I really like, ही बोल पाती उतने में वहां से आवाज आई, यार आई नो तुझे क्या बोलना है बट मैंने तुझे उस नजरिए से कभी देखा ही नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझसे दोस्ती नहीं वगैरह वगैरह, वो बोलने लगा। मैं सुन रही थी उसकी हर बात और अंदर से सुन हो रही थी, मानो मेरी हस्ती मुस्कुराती दुनिया मेरे आगे ही जल रही थी। जब वो रुका तो मैंने आई गेट यू मैं अपने आंसुओं को छुपाया और फोन रखकर बैठी रही पूरी रात और ये सोचती रही कि कैसे मुझसे ऐसी इतनी बड़ी गलती हो गई कि जो ढाई अक्षर दोस्ती के थे उसे मैं प्यार समझती रही, कैसे मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई।
बढ़ रही है जिंदगी, अब आगे बढ़ रही है जिंदगी और मैं भी उसके रफ्तार से ना सही पर चल रही हूँ धीरे धीरे। पर एक ख्याल, ये एक ख्याल अक्सर हर रात मुझे आता है कि ऐसा नहीं है कि कोई खुशी ही नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि कोई खुशी ही नहीं है, पर हर खुशी में एक अधूरापन है। जब से जिंदगी को तेरे जाने का गम है, ना तो किसी मुस्कुराहट में रंग है, ना तो किसी मुस्कुराहट में रंग है, पर अफसोस अफसोस कमबख्त ये आंखें जरूर नम है। चाहा तुम्हें न किसी हीर की चाहत से कम है, पर तुम्हारी जिंदगी में अपनी वो अहमियत न बना पाने का हाँ आज भी थोड़ा गम है। थैंक यू। वॉच द लेटेस्ट कॉमेडी म्यूजिक एंड पोएट्री वीडियोस ओनली ऑन नोजोटो ऐप। डाउनलोड द ऐप नाउ।